भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाली शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना आदि को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थ, भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है, इसका अर्थ बोलना होता है। भाषा की प्रकृति, भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है, अर्थात यह पैतृक नहीं होती है। भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है, जैसे ध्वनि रूप वाक्य, तत्व अर्थ, तत्व वर्णमाला, तत्व शब्द, रूप वाक्य, संरचना, सार्थक प्रयोग। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन कैथोलिक लिपि व उर्दू की फारसी लिपि है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा में सीमा बाध्यता होती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया, अर्जन का अर्थ है अर्जन करना। किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है। बालक अपने चारों ओर वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है, अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जो उसकी मातृभाषा होती है। चामस्की के अनुसार बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाले सामान्यतया इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वे स्वयं भी भाषा सीख रहे हैं। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना। भाषा अधिगम प्रक्रिया, अधिगम का अर्थ है सीखना। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। पावलाव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है व सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। विशेषताएं, सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है, सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। सीखना अनुकूलन है, सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। सीखना सार्वभौमिक है, सभी जीव जंतु सीखते हैं। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। नोट, भाषा अधिगम में उन छात्रों को कठिनाई नहीं आती जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है। यदि उनका स्वभाव संकोची और आत्मविश्वास में कमी हो तब उन्हें भाषा सीखने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। नंबर दो, क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। प्रमुख शिक्षा शास्त्री जैसे फ्रोबेल, डेबी मोंटेसरी ने इस सिद्धांत पर बल दिया है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। इससे छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ती है, जैसे कि प्रश्न पूछना एवं मौखिक व लिखित कार्य करना।
नंबर 3 अभ्यास का सिद्धांत। इसके अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है एवं जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता उसे भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नए शब्दों को बोलने का अभ्यास करना चाहिए। नंबर 4 समन्वय का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। अतः शिक्षकों को पाठ पढ़ाते समय पाठ को छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए जिससे छात्र उसे आसानी से शीघ्र ग्रहण कर पाए। नंबर 5 व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 6 क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना चाहिए, जैसे कि वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। सभी कौशलों को सिखाने का क्रम सही होना चाहिए, अर्थात इन्हें क्रम से लिखकर सिखाना चाहिए। इसका क्रम इस प्रकार है, श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन। नंबर 7 अनुकरण का सिद्धांत। बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षकों के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके सीखने का प्रयत्न करते हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध तथा स्वच्छ रखना चाहिए। नंबर 8 शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं। शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। इससे छात्रों को सीखने में आसानी होती है एवं शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण सूत्र, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नंबर 9 बाल केंद्रता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। बालक की क्षमता एवं स्तर आदि का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए।